गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर आशीष और आज डिस्कस कर रहे हैं आपको क्लास 10th में किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आप देखिए, जो स्टार्टिंग जो अपडेट किया गया, केमिकल सब्सटेंस इससे 25 मार्क्स, वर्ड ऑफ लिविंग ये बायो पोर्शन है 25 मार्क्स, नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स एंड लास्ट इज द नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। तो एक्चुअली यहाँ जो बायोलॉजी है इससे आएगा टोटल 30 मार्क्स का। और वर्ड ऑफ लिविंग, इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड थर्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और जेनेटिक्स, ये 4 चैप्टर आप इसमें स्टडी करेंगे। और जो लास्ट इसमें दिया गया लाइक द नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे स्टडी किया जाएगा आवर इन्वायरमेंट। ओके, तो सभी टॉपिक को आप देख लीजिए किस पोर्शन से कितने मार्क्स का आना है। अब इसमें जो लाइफ प्रोसेस में आप क्या क्या स्टडी करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दिस टॉपिक मे बी स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड मे बी एज द मेन पॉइंट न्यूट्रिशन ऑब्टेनिंग ऑफ फूड मटेरियल। रेस्पायरेशन मीन्स लाइक द एनर्जी आर रिक्वायर्ड, एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट एज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स के नेम क्या, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्साइसिक एसिड एंड इथाइलिन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन से काफ़ी नेम दिए गए स्टार्टिंग में, लाइक द पिट्यूटरी, उसमें GH है, थायरॉइड, थायरोक्सिन, एड्रीनल, इसे बोलते हैं ग्लांड्स ऑफ इमरजेंसी, इंसुलिन, ये पेंक्रियास से रिलीज होता है। और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, डिसीज क्या होगी, डिसीज क्या होगी बताइए, डिसीज होगी डायबिटीज। और मेल बॉडी में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल बॉडी में इस्ट्रोजन। तो ये सभी हार्मोन्स आप स्टडी करेंगे लाइक द एनिमल हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो आप स्टडी करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और एक चैप्टर और भी रहेगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यहाँ पे जो टॉपिक आप स्टडी करेंगे, इसमें हेरिडिटी है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, और यहाँ पे क्या आपको स्टडी नहीं करना, तो वो टॉपिक रहेगा इवोल्यूशन, ये टॉपिक आप स्टडी नहीं करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिए इसमें एक चैप्टर और भी आप स्टडी करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इसके बाद जो लास्ट यूनिट आएगी वो रहेगी अवर इन्वायरमेंट, इसमें जो दिया है लॉ फॉर इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसमें जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 लॉ है। डोमिनेंस में क्या होता है, वन ऑफ द करेक्टर अपियर, इसे बोलते हैं डोमिनेंस, बट अदर करेक्टर दी आर नॉट अपियर, इट इज आल्सो कॉल्ड रिसेसिव, जो करेक्टर ज्यादा अपियर है। और लास्ट आएगा इसमें नेचुरल रिसोर्सेज, टॉपिक स्टडी होगा इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वाटर प्रोडक्शन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ये टॉपिक रहेगा आवर इन्वायरमेंट में। ओके, और जैसे यहाँ पे दिया बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल दीज आर नॉट इजली डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का फॉर्मूला क्या, O3 एंड इकोसिस्टम। ओके, और ये टॉपिक आप स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन से। ओके, सो एवरीवन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लिंक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।